सो हे गाइस, तो क्या आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल में इस तरह का बॉर्डर को यूज करना? तो देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारा फोन में बॉर्डर अभी हमने यूज किया है। तो फ्रेंड देख रहे हैं हमारा ये फोन कितना गजब का लुक दे रहा है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का बॉर्डर को यूज करना अपने मोबाइल में, तो फ्रेंड आपको इस वीडियो को कंटिन्यू फुल देखना होगा, नहीं तो फ्रेंड आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन सा सेटिंग को कैसे सेट करना है। तो फ्रेंड बने रहे वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखें। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको चले जाना होगा अपना प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके फ्रेंड आपको सर्च बार में आपको सर्च करना होगा बॉर्डर लाइट। और बॉर्डर लाइट को सर्च करने के बाद फ्रेंड आपको ये वाले एप्लीकेशन जो फर्स्ट में दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करके फ्रेंड आपको यहां से इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को। तो फ्रेंड जब तक ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है तब तक वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड ये देख रहे हैं हमारा ये अपने आप इंस्टॉल हो रहा है। और इंस्टॉल करके आपको यहां से नीचे से ओपन करना है, ओपन कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे एक आ गया है अचीवमेंट, तो आपको फ्रेंड इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड आपके सामने देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग एक शानदार लुक का एक बॉर्डर आ जाएगा। पर अगर फ्रेंड आप यहां से डायरेक्टली इसे सेट करना चाहते हैं तो आप इसे सेट वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करके आप यहां से सेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको इसके अंदर जाके बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे और ही अलग फ्यूचर है, आप उसे भी किस तरह से अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहां से आपको सेट वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेट वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड आपके सामने दो एक इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है होम स्क्रीन। अगर फ्रेंड आप अपना होम स्क्रीन में लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करें। अगर आप फ्रेंड होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों में लगाना चाहते हैं तो आप नीचे वाले को क्लिक करें। तो फ्रेंड मैं आपको अभी होम स्क्रीन में लगा के बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। सिंपली होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं बहुत सारा सेटिंग आ गया है, जो कि ये सारे सेटिंग को आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं फर्स्ट में है एनिमेशन स्पीड, तो फ्रेंड यहाँ से आप इसका एनिमेशन को घटा बढ़ा सकते हैं इसका स्पीड को। और आपको फ्रेंड अपने अनुसार से इस सब को एडजस्ट कर लेना है। और फ्रेंड यहाँ से कलर, तो आप अगर फ्रेंड आपको कलर भी इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद है फ्रेंड इनेबल बैकग्राउंड इमेज। और फ्रेंड अगर इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगा फ्रेंड आप, और आपको यहां से गैलरी का फ़ोटो कोई सा भी आप ले सकते हैं। अगर आप गैलरी का कोई भी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो अपने अपने होम स्क्रीन पे, तो आप वहां से ले सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड यहां से है एक है इनेबल नोच, तो फ्रेंड अगर फ्रेंड इसको क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपका नोच जो है बंद हो जाएगा। और इसी तरह से आपके सामने है यहाँ फ्रेंड देख रहे हैं नीचे, उसके नीचे है शो नोच सेटिंग। और यहाँ से आप जितना भी आप अपना नोच का साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड ये सारे सभी सेटिंग को आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड सिंपली आपको यहाँ से होम बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये हमारा फ़ोन में कुछ इस प्रकार से ये हमारा बॉर्डर लग के आ गया है। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये हमारा फ़ोन कितना गजब का लुक दे रहा है हमारे फ़ोन में अभी। तो फ्रेंड आप भी इसी तरह से अपने फ़ोन में इस बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, आप वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।